अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि 5 मिनट में हम कैसे जल्दी से एक अपना सैंडविच तैयार कर सकते हैं। ये सैंडविच आप ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इवनिंग में भी अपने चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी देख सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि बच्चों का लंच बॉक्स जो है वो कभी भी खाली नहीं आएगा, और वो एक नहीं दो तीन सैंडविच मांगेंगे कि हमने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। चलें मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है ये। देखिए, मैंने 2 ब्रेड स्लाइस लिए हैं, 2 मैंने कीमे के जो चपली कबाब हैं वो लिए हैं, 2 मैंने जो हैं राउंड शेप में टमाटर के स्लाइसेस लिए हैं, 2 मैंने राउंड शेप में प्याज के स्लाइसेस लिए हैं, ये थोड़ी सी जो है 2 टीस्पून मैंने केचप लिया, और 2 टीस्पून जो है मायनीज ली है। इन तमाम चीज़ों को हमने सैंडविच में यूज़ करना है। सबसे पहले मैं अपने ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो गर्म करती हूँ, और साथ जो है अपने जो चपली कबाब हैं उनको फ्राई करती हूँ। चले हम वेट करते हैं। ये देखिए जनाब, मैंने कबाब भी फ्राई कर लिए हैं, स्लाइसेस को भी हल्का सा ऑयल लगा के उनको भी गर्म कर लिया है। अब हम अपना सैंडविच तैयार करते हैं। हम स्लाइस को इधर साइड पे करते हैं। ये देखें, केचप और मायोनीज जो ली थी इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, हम इसके ऊपर की एक लेयर लगाएंगे, ठीक है, अच्छे से। लग गई है इसकी एक लेयर। अब हम अपने कबाब, मेरा कबाब थोड़ा सा टूट गया है, बस थोड़ा सा हुदा भी तंग कर रही थी, वो भी रो रही थी, तो मैंने आपके साथ रेसिपी भी अपनी शेयर करनी थी सैंडविच की, तो इस वजह से ये देखें मैंने कबाब लगा दिए, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो है अपना ये टमाटो स्लाइसेस रखेंगे, ये रखेंगे, सॉरी जी, ये देखिए भाई कितना अच्छा ज़बरदस्त हमारा तैयार हो चुका है सैंडविच। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, मैं स्लाइस के ऊपर लगा लेती हूँ, इजी है, ठीक है। कॉर्नर्स पे अच्छे से लगा लें। ये देखें, ये इसके अंदर लग गया है। अब हम इसको इसके ऊपर रखते हैं, इसकी जो है कटिंग करते हैं, ठीक है। चलो ये देखें जनाब, हमारा सैंडविच तैयार है, इसकी कटिंग कर ली है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको मेरी बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।